उधर बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने और राहुल गांधी का वायनाड लोकसभा सीट से लिस्ट में नाम होने के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका है, जो कांग्रेस आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता में रही है और वो कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश का मैदान छोड़कर भाग गए हैं, जहां पर 80 की 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश छोड़कर के केरला जा रहे हैं। उनकी माताजी राज्यसभा की मेंबर हो गई है राजस्थान, तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो नहीं टिक पाएंगे। एकमात्र सीट रायबरेली जो सोनिया जी के नाम में थी, अब वो भाजपा को मिलेगी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य रहेगी। देखिए, आज मायावती ने एक बार फिर ऐलान किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस सिर्फ मायावती की तरफ देख रही थी कि मायावती वैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने साफ कर दिया है कि चुनाव अकेले लड़ेंगे। क्या कहेंगे, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा? देखिए, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका बताइए, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सत्ता में रही और वो कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़कर के भाग गए, जहाँ पर 80 की 80 सीटें हैं। मैंने देश में 10 स्टेटों को मिला करके जितनी सीटें होती हैं उतना केवल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश छोड़ करके उनको केरल जा रहे हैं। उनकी माता जी राज्यसभा की जो है मेंबर हो रही हैं राजस्थान से, तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। मोदी जी के भी लहर दिखे हैं, इस बार मोदी जी की सुनामी रहेगी। एकमात्र सीट जो सोनिया जी की रायबरेली की, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, इसलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सुन रही है। क्या लगता है, डर गए हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी डर गए हैं, सोनिया जी डर गई हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रियंका गांधी डर गई हैं, केलो पहली सूची जारी हो गई, राहुल गांधी जी केरल चले गए, सोनिया जी चुनाव लड़ने से इनकार कर दी तो राज्यसभा में गई, और प्रियंका गांधी को भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से लड़े, तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 से बात करें। मंत्री जी, एक चीज़ और,